अलकावाद और कट्टरपंथ बताकर बदनाम करने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को उस वक्त करारा झटका लगा जब अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मुसलमानों से भेदभाव खत्म करने का वादा कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं न मुसलमानों से भेदभाव करूंगा और न ही होने दूंगा। इससे पहले जो बाइडेन ने अपनी चुनावी कैंपेन के लिए एक वीडियो एड जारी किया जिसमें उन्होंने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी बयां की। मुसलमानों से किया गया जो बाइडेन का वादा और पैगंबर की हदीस दोनों ही हम आपको सुनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। अमेरिका का राष्ट्रपति बनते बनते ही डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन का एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो मुस्लिम समुदाय में जाकर उनसे वादा करते हुए देखे जा रहे हैं और ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस्लाम के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं होने दूंगा और आप सभी को दूसरे धर्मों की तरह पूरी आजादी से अपने मजहब के साथ जीने की आजादी होगी जैसे वहाँ बाकी धर्म के मानने वालों को है। वहाँ मौजूद लोगों ने उनका इस बात के लिए धन्यवाद भी किया। अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें जो बाइडेन पैगंबर इस्लाम की एक हदीस बयां कर रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा हमें सिखाती है कि तुम समाज में बुराई को देखो तो उसे अपने हाथ से रोक दो, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से गलत को गलत कहो, अगर जुबान से भी ना बोल सको तो कम से कम उसे दिल में बुरा जानो। देखिए ये वीडियो। Hadith from the Prophet Muhammad instructs, whomever among you sees a wrong, let him change it with his hand. If he is not able, then with his tongue. If he is not able, then with his heart. पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाने वाले फ्रांस ने जब अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति के मुंह से जब पैगंबर मोहम्मद की ये हदीस सुनी होगी तो यकीनन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के सीने पर सांप लौट गए होंगे। जो बाइडेन इससे पहले भारत में सीए और एनआरसी की भी आलोचना कर चुके हैं। अमेरिका के इतिहास में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव में सबसे अधिक मत हासिल करने वाले प्रत्याशी बन गए हैं और उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा